नमस्कार साथियों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक नई बुक जिसका नाम है ब्लू प्लैनेट, जो कि एकेडमिक बुक्स करके एक पब्लिकेशन है, उसकी बुक है। तो मुझे नहीं पता कि आपके बच्चे या आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आपके यहाँ पर ये बुक चल रही है ब्लू प्लैनेट, जो कि एकेडमिक बुक्स पब्लिकेशन की है, तो आपके लिए बुक हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस पूरी बुक की समरी यहाँ पे देने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन आंसर्स और सारे सारे चैप्टर्स का हिंदी में अनुवाद मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको एक अच्छे नॉलेज मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज पहला चैप्टर आप देख सकते हैं मेरी एरिया में, मैं धामपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मेरे धामपुर के पास में बारकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरे यहाँ पर है बुढ़नपुर में। तो उसमें फर्स्ट क्लास की ये बुक है जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ग्रेड वन में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बुक ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज़, मतलब कि पर्यावरण की एक बुक है, तो उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इस बुक के नाम की। अगर इस बुक के नाम की बात की जाए तो इसका नाम है ब्लू प्लैनेट। ब्लू का मतलब आपको पता है नीला, और प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, भूगोल की लैंग्वेज में ब्लू प्लैनेट मतलब नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसमें 75% के आसपास पानी है और बाकी पृथ्वी है, तो इस वजह से इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं, ये बुक एसके मित्तल जी द्वारा लिखी गई है। तो इस बुक का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर माई फैमिली। फर्स्ट चैप्टर है माई फैमिली, यूनिट वन, माई फैमिली एंड स्कूल, मतलब कि यूनिट वन पहली यूनिट है, पहली इकाई है, माई फैमिली एंड माई स्कूल। मेरी फैमिली मतलब मेरा परिवार, एंड का मतलब और, स्कूल मेरा परिवार और मेरा स्कूल, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट लाइन है वी लिव इन ए फैमिली, मतलब कि हम, लिव का मतलब रहते हैं, इन का मतलब मैं, एक ए का मतलब एक, फैमिली का मतलब परिवार, हम एक परिवार में रहते हैं। पेरेंट्स का मतलब माता पिता, एंड चिल्ड्रन मेक ए फैमिली, माता पिता एंड का मतलब और, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, मेक ए फैमिली एक फैमिली बनाते हैं या एक परिवार बनाते हैं, मेक का मतलब होता है बनाना। तो हम एक फैमिली में रहते हैं और पेरेंट्स मतलब माँ बाप और बच्चे मिलके एक फैमिली बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, या उनको बना के एक फैमिली परिवार बनता है। वी ऑल लिव टुगेदर इन ए होम, वी का मतलब हम, ऑल का मतलब सभी, लिव का मतलब रहते हैं, टुगेदर का मतलब साथ साथ या साथ में, इन का मतलब मैं, एक का मतलब एक, होम का मतलब घर, हम सभी साथ साथ एक घर में रहते हैं। वी लव एंड हेल्प ईच अदर, वी का मतलब हम, लव का मतलब प्यार करते हैं, एंड का मतलब और, हेल्प का मतलब है सहायता करना, ईच अदर एक दूसरे की, मतलब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो आइए सभी का एक साथ हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। वी लिव इन ए फैमिली, हम एक परिवार में रहते हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक ए फैमिली, माँ बाप और बच्चे मिलके एक फैमिली बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं। वी ऑल लिव टुगेदर इन ए होम, हम सभी एक साथ एक घर में रहते हैं। वी लव एंड हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज माई फैमिली, मतलब ये मेरा परिवार है। पेस्ट द फोटोग्राफ्स एंड ब्लू एंड राइट डियर रिलेशंस विद यू, मतलब कि यहाँ पे जो आपको अलग अलग यहाँ पे खाने दिए हुए हैं, तो इन अलग अलग खानों में आपको पेस्ट करने हैं अपने फैमिली के फोटोग्राफ। जैसे कि यहाँ पे आपके मम्मी का फोटो आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है मदर, मतलब कि आपको फैमिली का फोटो पेस्ट करना है, और नीचे उससे रिलेशन आपका क्या है, आपका क्या संबंध है उससे, वो आपके क्या लगते हैं वो नीचे लिखना है। तो यहाँ पे मम्मी का फोटो लगा दिया, नीचे मदर, यहाँ पे पापा का फोटो लगा दिया, नीचे फादर, उसके बाद में यहाँ पे सिस्टर का फोटो लगा दिया और यहाँ पे नीचे सिस्टर, यहाँ पे भाई का फोटो लगा दिया और यहाँ पे नीचे ब्रदर। अब उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फैमिलीज, मतलब कि अभी तो हमने देखा कि फैमिली किसको कहते हैं, अब उससे आगे देखते हैं कि फैमिली कितने प्रकार की होती है, परिवार कितने प्रकार का होता है।
तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फैमिली। देयर का मतलब वहाँ, देयर आर का मतलब होता है कि वहाँ होती है या कहलाई जाती है। थ्री काइंड्स ऑफ फैमिली, थ्री का मतलब तीन, काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, ऑफ फैमिलीज परिवार के, मतलब परिवार के तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार की फैमिली पाई जाती हैं। नंबर वन है स्मॉल फैमिली। स्मॉल का मतलब आप जानते ही हैं, SMALL, स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, छोटा परिवार, ठीक है, छोटा फैमिली मतलब छोटे परिवार। उसके बाद में पेरेंट्स लिव विद देयर वन और टू चिल्ड्रन, मतलब वे परिवार जिनमें माँ बाप अपने बच्चों, मतलब एक या दो बच्चों के साथ में रहते हैं, उनको बोलते हैं छोटी फैमिली या छोटा परिवार। उसके बाद में आता है लार्ज फैमिली। लार्ज का मतलब होता है बड़ा, फैमिली का मतलब होता है परिवार, तो बड़ा परिवार, बड़ा परिवार कौन सा होता है, पेरेंट्स लिव विद देयर मोर देन टू चिल्ड्रन, मतलब कि वो परिवार जिनमें माँ बाप अपने दो बच्चों से अधिक में, अधिक बच्चों के साथ में रहते हैं, मतलब अगर उनके तीन बच्चे हैं तब भी वो कहलाई जाती है लार्ज फैमिली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है, स्मॉल फैमिली ये हो गई, तो इसमें क्या है, माँ, मम्मी पापा हैं और साथ में उनके दो बच्चे हैं, तो ये स्मॉल फैमिली होगी। अब लार्ज फैमिली कौन सी होगी, जहाँ पे माँ बाप के साथ में जो बच्चे हैं वो दो से अधिक है, मतलब यहाँ पे चार दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लार्ज फैमिली इस वजह से कहा गया। अब आइए देखते हैं जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली, जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त या मिला जुला परिवार, ठीक है, संयुक्त फैमिली या मिला जुला परिवार, तो जिसमें पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आंट्स होती हैं, अंकल्स होते हैं, एंड डियर चिल्ड्रन लिव टुगेदर, मतलब कि पेरेंट्स माँ बाप होते हैं और दादी दादा होते हैं, अंकल आंटी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, और वो सारे के सारे एक साथ जिस फैमिली में रहते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अम्मा और पापा मतलब इनके दादा दादी हो गए, ये इनके मम्मी पापा हो गए और ये इनके अंकल आंटी भी हो गए, ठीक है, और इनके सभी के बच्चे एक साथ, ये सारा परिवार एक साथ रहता है, तो इसको हम बोलेंगे ज्वाइंट फैमिली, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद में नेक्स्ट लाइन है, ए स्मॉल फैमिली इज एन आइडियल फैमिली, मतलब कि एक जो स्मॉल फैमिली होती है जिसको एक छोटा परिवार बोला जाता है, वो जो छोटा परिवार होता है उसी को एक आदर्श परिवार समझा जाता है, मतलब कि वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली एंजॉय बीइंग टुगेदर, परिवार के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स का मतलब सदस्य, पारिवारिक सदस्य जो होते हैं ऑफ ए फैमिली मतलब परिवार के, एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेते हैं या मजे करते हैं, बीइंग टुगेदर एक साथ में रहते हुए या एक साथ में होते हुए, मतलब जब वो साथ रहते हैं तो बहुत मजे से रहते हैं। दे शेयर द वर्क इन द हाउस, मतलब कि वे एक दूसरे को साथ में अपना वर्क, अपना जो काम वगैरह होता है वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, जो भी घर में काम होता है। दे शेयर का मतलब वे शेयर करते हैं द वर्क, काम या कार्य, इन द हाउस घर में। हेल्प ईच अदर, हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे की, ठीक है, तो एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और अपने एक दूसरे के साथ में काम भी शेयर करते हैं। एंड लिव हैप्पीली, और लिव का मतलब रहना, हैप्पीली का मतलब खुशी से, वो सभी एक दूसरे के साथ में काम शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और साथ में खुशी से रहते हैं। तो ये था आज का चैप्टर। तो दोस्तों, चैप्टर की रीडिंग हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब जो आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो है चेक योर इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि या अपना दिमाग जो होता है वो चेक करने के लिए, कि आपने अभी तक क्या सीखा उसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, उसको एक बार परख लेते हैं, जांच लेते हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दी गए हैं, मतलब कि विकल्प वाले क्वेश्चन यहाँ पे दी गए हैं। तो टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आपको राइट का निशान यहाँ पे लगाना है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक ए, मतलब कि पेरेंट्स मतलब माता पिता और बच्चे मिलके क्या बनाते हैं, मतलब क्या बनाते हैं, पेरेंट और चिल्ड्रन मेक ए, पेरेंट और चिल्ड्रन मिलके क्या बनाते हैं, क्या स्कूल बनाते हैं, नहीं, क्लास बनाते हैं, नहीं, फैमिली बनाते हैं, यस, हाँ, एक मतलब कि माँ बाप और बच्चे मिलके फैमिली बनाते हैं, उनके दोनों के मिलने से, उन सभी के मिलने से एक परिवार बनता है, ना ही कोई फेस्टिवल का मतलब होता है,
त्योहार, ना त्योहार बनता है, ना क्लास बनती है, ना स्कूल बनता है, बनती है फैमिली। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज आर देयर, मतलब कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज, हाउ मैनी का मतलब कितने प्रकार के, ठीक है, काइंड्स का मतलब प्रकार, कितने प्रकार के, ऑफ फैमिलीज का मतलब परिवार, आर देयर मतलब हैं, मतलब कि फैमिली कितने प्रकार की होती है या परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है थ्री, क्या परिवार तीन प्रकार के होते हैं? हाँ, यही क्वेश्चन, यही आंसर राइट है, क्योंकि हमने अभी आपने पढ़ा, हमने अभी आपको दिखाया कि परिवार तीन प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप का परिवार होता है आपका स्मॉल स्मॉल फैमिली, ठीक है, दूसरा लार्ज फैमिली, और तीसरा ज्वाइंट फैमिली। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हुआ फर्स्ट, मतलब कि थ्री टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यह है ए स्मॉल फैमिली इज एन, मतलब कि एक स्मॉल फैमिली, एक छोटा परिवार इज एन, है एक, एक छोटा परिवार क्या है, एक, क्या वो गुड फैमिली है? यस। तो छोटा परिवार क्या है, क्या वो एक अच्छी फैमिली है? हाँ, अच्छी फैमिली होती है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है अभी वो देखते हैं। उसमें लिखा हुआ था ना आइडियल फैमिली, तो एक छोटा परिवार एक आइडियल फैमिली होती है, मतलब एक आदर्श परिवार होता है। तो हमें यहाँ पे गुड पे क्लिक नहीं करना है, गुड हमारा गलत हो जाएगा अगर आप इस पर क्लिक करोगे। तो आइडियल फैमिली का मतलब एक आदर्श परिवार होता है, ये आपने अभी पढ़ा है। अगर आपको ध्यान ना आए तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये वाली जो लाइन थी ए स्मॉल फैमिली इज एन आइडियल फैमिली, तो इस वाली लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। तो आप देख सकते हैं हैप्पी फैमिली, हाँ हैप्पी भी ऑलरेडी होती है, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ाया आइडियल फैमिली होती है, तो हमने इस पर राइट का क्लिक लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी टाइप क्वेश्चन आए हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले, मतलब कि आपको फिल का मतलब होता है भरना, इन द ब्लैंक्स इनका मतलब में, ब्लैंक्स का मतलब खाली स्थान जो है, खाली स्थान में आपको भरना है। तो आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ए फैमिली इज एन आइडियल फैमिली, मतलब कि कौन सी फैमिली आइडियल फैमिली होती है, आदर्श फैमिली कौन सी होती है। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला यहाँ पे आ गया, तो आप देख सकते हैं आइडियल फैमिली कौन सी होती है, एक स्मॉल फैमिली, तो एक ए स्मॉल, आइए लिख देते हैं एक स्मॉल फैमिली, ठीक है। उसके बाद में आया देयर आर काइंड्स ऑफ फैमिलीज, मतलब कि काइंड्स का मतलब मैंने आपको बताया था प्रकार, या कितने प्रकार की फैमिलीज होती है। देयर आर काइंड्स ऑफ फैमिलीज मतलब कितने प्रकार की फैमिली होती है। तो हमने अभी आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो इसमें लिखा हुआ था थ्री, हमने इसको राइट किया था, तो इसके हिसाब से आपने पढ़ी भी है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फैमिलीज, तो यहाँ पे लिखेंगे हम थ्री काइंड्स ऑफ फैमिलीज। थर्ड नंबर पे आया मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, चलो एफ ए एम आई एल वाई, तो मतलब कहाँ के सदस्य एक साथ रहते हुए मजे से रहते हैं, तो इसका आंसर है फैमिली के सदस्य, तो यहाँ पे लिखा हमने फैमिली। नंबर चार पे आया आपका पेरेंट्स एंड मेक ए फैमिली, मतलब माँ बाप और क्या मिलके बनाते हैं, मेक मतलब बनाते हैं, फैमिली का मतलब परिवार, माँ बाप के साथ में क्या और रहता है जो परिवार में रहता है, वो होते हैं बच्चे। तो हम यहाँ पे बच्चों को कहते हैं सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन मतलब कि बच्चे, तो माँ बाप और बच्चे मिलके फैमिली बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वी इन ए फैमिली, मतलब कि हम एक फैमिली में क्या करते हैं, रहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल आई वी ई, ठीक है, वी लिव इन ए फैमिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन इसकी ये है वी लिव इन ए फैमिली। अच्छा चलिए सी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर, मतलब कि फोटो में आपको देखना है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और जो आपके रिक्त स्थान यहाँ पे दिए गए हैं इनको फिल करना है। तो आइए देखते हैं द शर्मा फैमिली, यहाँ पे एक शर्मा फैमिली को दिया गया है, मतलब एक शर्मा जी के परिवार को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सागर शर्मा जी हैं और ये उनकी वाइफ हैं गीता देवी, ठीक है, गीता शर्मा इनको बोल सकते हैं, और इनके दो बच्चे हैं जिनका नाम है रीता शर्मा और रवि शर्मा, ठीक है। शर्मा यहाँ पे लगाया हुआ नहीं है, लेकिन हमें बता दिया कि ये शर्मा फैमिली है,
तो आप कह सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, मतलब इनके जो फैमिली के ओनर हैं वो सागर सर हैं और इनकी वाइफ हैं गीता। इनके दो बच्चे हैं, एक लड़की है जिसका नाम है रीता और बेटे का नाम है रवि। तो आइए, हमने इसमें इंट्रोडक्शन में देख लिया, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पिक्चर में देखने के बाद में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट पेज है ना, रवि फादर्स नेम इज, मतलब रवि कौन है, ये लड़का है, इसके पापा जी कौन है, ये। तो रवि के पापा जी का नाम क्या है, सागर। तो आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं, सागर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता मदर्स नेम इज, मतलब कि रीता कौन है ये लड़की, और ये इनकी मम्मी कौन है, ये माँ, ये जो दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो रीता की मदर का नाम है गीता। तो आइए लिख देते हैं, ठीक है, गीता। अब उसके बाद में देखते हैं, सागर एंड आर चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसीलिए जो इस बुक को पढ़ाने वाली मैम थी उन्होंने पहले ही काट रखा है, तो इसको कर रखा है रवि, क्योंकि यहाँ पे बात बच्चों की हो रही है ना, तो रवि और यहाँ पे लिखा जाएगा रीता, ठीक है। रवि और रीता आर चिल्ड्रन, रवि और रीता बच्चे हैं, एंड रीता इज रवीज, मतलब रीता है रवि, अपोस्ट्रोफी ऐसा लग गया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रवि की, तो रीता रवि की क्या है, सिस्टर है, तो हमें यहाँ पे लिखना है सिस्टर, ठीक है। उसके बाद में सागर डॉटर्स नेम इज, सागर की जो लड़की है, सागर जी की जो लड़की है, सागर जी कौन है ये, और इनकी लड़की कौन है रीता, तो उसका नाम है, क्या नाम है, अभी मैंने आपको बताया, रीता, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गीता सन्स नेम इज, मतलब कि गीता के जो लड़का है, गीता जी का जो लड़का है उसका नाम क्या है, रवि। तो यहाँ से हम लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया रवि। डी क्वेश्चन आया है हमारा, अब उसको देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है और आंसर आपकी फैमिली से रिलेटेड है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर का मतलब उत्तर दीजिएगा, फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित या जो नीचे दिए गए हैं, क्वेश्चंस का मतलब प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है, डू यू हैव अ सिस्टर, क्या आपकी एक सिस्टर है। भाई मुझे ये नहीं पता आपकी है या नहीं, लेकिन मेरी तो है सिस्टर, तो मैं लिखूंगा यस आई हैव अ सिस्टर, ठीक है। तो आपको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया यस आई हैव ए सिस्टर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ ब्रदर, तो यस मेरे तो भाई हैं, डू यू हैव क्या मतलब, क्या आपके पास है, क्या आप रखते हो ए ब्रदर, एक भाई, तो यस आई हैव अ ब्रदर, ठीक है, मतलब कि हाँ मेरे पास एक भाई है, हाँ मैं एक भाई रखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, डू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक ए फैमिली, क्या माँ बाप और बच्चे मिलके फैमिली बनाते हैं, यस yes, इसका आंसर होगा यस yes, हाँ बनाते हैं, आपने पढ़ाया अभी। उसके बाद में है, इज ए लार्ज फैमिली एंड आइडियल फैमिली, क्या एक बड़ा परिवार एक आइडियल परिवार होता है, मतलब कि क्या एक बड़ा जो परिवार होता है वो आदर्श परिवार होता है, तो इसका आंसर है नो। नो क्यों, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है कि एक छोटा परिवार एक आइडियल परिवार होता है, स्मॉल फैमिली इज ए आइडियल फैमिली, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया नो। डू वाटर द प्लांट्स, क्या आप प्लांट्स को पानी देते हो, वाटर का वाटर द प्लांट्स का मतलब होता है पौधों को पानी देना, तो क्या तुम पौधों को पानी देते हो, तो इसका आंसर होगा अगर आप देते हैं तो लिख देना यस, अगर आप नहीं देते हैं तो आपको लिखना है नो। तो मैं कभी कभी देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अधिकतर नहीं देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ नो। उसके बाद में डू यू पैक योर बैग ऑन योर ओन, डू यू पैक का मतलब क्या तुम
पैक का मतलब पैक करना, योर बैग अपना बैग, ठीक है, ऑन योर ओन, ऑन योर ओन अपने आप से, क्या आप अपना बैग अपने आप से तैयार करते हो, क्या अपना बैग अपने आप से रेडी करते हो? तो हाँ, मैं तो अपना बैग रेगुलर स्कूल जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए मैं अपना बैग अपने आप तैयार करता हूँ, तो यस आई डू, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो आप लिख सकते हैं नो। अगर आपके मम्मी पापा या भाई बहन कोई अलग पर्सन आपसे आपको बैग रेडी करके देता है तो आपको लिखना है नो, अदरवाइज यस। तो अब लास्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेन ट्विस्टर, मतलब कि आपके दिमाग को घुमाने वाली चीज़ यहाँ पे दी गई है, ब्रेन को ट्विस्ट करने वाली, जिससे कि आपका ब्रेन थोड़ा ट्विस्ट हो और कुछ सोचने पर मजबूर हो। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट द डॉटेड पिक्चर्स एंड कलर इट। यहाँ पे तो एक कलर्ड है, लेकिन आपको क्या करना था, इसमें जो डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं इन सबको पेंसिल से मिलाना था, उसके बाद में कलर इट, मतलब इसको कलर करना था। पेंसिल से आप जैसे इसको मिलाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि रोज़ का डिज़ाइन है, एक रोज़ यहाँ पे बना हुआ है। अब रोज़ में उसकी लीफ में ग्रीन कलर का कलर आपको करना है, और रोज़ किस कलर का होता है, पिंक कलर का। तो आपको इसकी लीव्स में पिंक या रेड जो भी आप कर सकते हो वो आपको करना है, ठीक है। तो बस ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था वो आपका यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी और अगर क्वेश्चंस, कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहे हो, कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हो, या सजेशंस आपके दिमाग में आ रहे हो, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके तो बता सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको इसी तरीके की और भी अदर बुक्स की नॉलेज आपको मिलती रहेगी, वो भी पॉइंट टू पॉइंट और एक अच्छे गाइडेंस के साथ में। थैंक यू।